प्रभु परमेश्वर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि इसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में एक बार फिर से आकर इकट्ठा होकर उन भेद भरी बातों को जो उसके वचन में लिखा है हम सीख सकें सो so, एक बार फिर से हम सभी श्रोताओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हैं सभी को जय मसी की और एक बार फिर से ऑनलाइन जुड़ने के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ना पिछले अध्ययनों में हम सीख रहे थे कि कैसे रोकने वाली बातें उलझाने वाली बातें उलझाने वाले पाप हमको परमेश्वर के अभिषेक से दूर कर रहे हैं इससे पहले कि हम इसी अध्ययन में इसी क्रम में आगे चले हम लोग अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना करेंगे सच्चे प्रभु एक बार फिर से आज हम आपकी आराधना करते हैं आपको धन्य कहते हैं प्रभु हम सब मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं आपने बड़ी कृपा किया है आपने बड़ी दृष्टि की है प्रभु आपने अपने बच्चों को अपनी ओर खींचा है कि हम उन बातों को सीखें जो आपके वचन में सत्य के रूप में हमें दिया गया है राजा ऐसे सच्चे और अच्छे पवित्र आत्मा हमें सिखाइए हर एक शब्द हर एक बातें नपी और तुली हो और सब बातें जो शरीर की ओर से सब विचार जो भावनाओं और कल्पनाओं की ओर से आती है ये के नाम से हम ललकारते हैं और हर एक के हर एक श्रोताओं के मनों से निकल कर चली जाए और सीधा वचन हमारे दिल की गहराइयों तक उतरने पाए प्रभु शब्द दिमाग शब्द का प्रभाव दिमाग तक नहीं परंतु वचन का प्रभाव आत्मा तक हो जाने के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं एक बार फिर से ऐ सच्चे और अच्छे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आइए हम इसे हर एक से बोलिए और बातचीत करिएगा हम सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं हमैन 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 पाओ इब्रानियों की किताब और उसका अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ रहे थे और एक बार फिर से हम पढ़ के इसको आगे चलेंगे इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें जिसने सब आनंद के लिए जो उसको आगे उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करते करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा ओके लेट्स कम बैक प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है रोकने वाली बातें जिसे हम पिछले कर में सीख रहे थे हाउ मेनी थिंग्स हाउ मेनी प्लेसेस वी आर स्टक वी आर ब्लॉक्ड कई बार हम विचारों और कल्पनाओं के कारण हम फंस जाते हैं दुकान में जाते हैं दुकान वाले भाई जी से पूछते हैं भाई जी साड़ियां दिखाइए वो दसों प्रकार की साड़ियां हमारे सामने पेश करता है फिर और भी दिखाइए और भी दिखाइए ये भी दिखाइए वो भी दिखाइए वो वाली पीली नीली हरी लाल सब कुछ हम निकलवाते जाते हैं आधा घंटा साड़ियों के बाद साड़ियाँ नहीं जम रही है सूट दिखाइए वो बेचारा सूट दिखाता सूट नहीं जम रहा कुछ फैंसी दिखाइए फैंसी दिखाने एक के बाद एक क्या होता है वो पूरी दुकान हम उससे नीचे निकलवा लेते फिर भैया जी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है कुछ एंटिक दिखाइए वो बोलता है मैडम सामान तो हमारे पास इतना ही है इतना ही माल है अगले मंडे आइएगा तो आप कुछ नया मिलेगा मेरे प्रियो कुछ हमारा और आपका जीवन भी ऐसा ही है वी ट्राई टू फाइंड हम ऐसी चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हमको खुद को नॉलेज नहीं या यू कहो इस बिटिया को इस बहन को यह नहीं मालूम है उसे लाल पसंद है या उसे पीला पसंद है या उसे हरा पसंद है या काला पसंद है और वो जब जो दुकान में जाती तो सब निकलवा लेती है आपको पता आज विश्वास करने वालों के साथ का जीवन भी विश्वासियों का जीवन भी कुछ ऐसा है जब हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए किस जगह सुधार चाहिए हमारी आत्मिक आवश्यकता क्या है हमारी ज़रूरत क्या है हम उस कलीसिया, उस प्रभु के दास को सुनते इसको सुनते उसको सुनते उसको सुनते फलाने का प्रचार को सुनते जीजस कॉल में कॉल लगाते फलाने प्रभु के दास को कॉल लगाते भारत दुनिया के सब प्रार्थना कॉल सेंटर में हम कॉल लगा के हर वीडियो हर प्रभु के दासों का संदेश खोल करके हम सुनने लगते वाई बिकॉज वी डोंट नो वॉट वी आर लुकिंग हमें नहीं पता है कि हम दुकान में तो जाते परंतु हम इस हमको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमें क्या चाहिए दैट इज वाई वो भी देखते वो भी देखते फिर एट द एंड हमको पता चलता है कि ये सब मेरे काम का नहीं है फिर हम हार कर कहते अब कोई बात नहीं अब हम घर में ही दुआ कर लेंगे हर किसी के पास जाकर दुआ करवाने के बाद वचन सुनने के बाद हर दरवाजे खटखटाने के बाद आखिरी में व्यक्ति कहता है अब पुराने धर्म में ही लौट जाना ज़्यादा बेहतर है हमने सैकड़ों ऐसे लोगों को जो लोग प्रभु के पास आए ये भी वो भी वो भी वो भी वरदान भी हर कुछ हर कुछ हर कुछ प्रभु से पाने की कोशिश किया पसंद सब कुछ आया परंतु किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर पाए लाल भी खूबसूरत है पीला भी खूबसूरत है यहां पे कंफ्यूजन है कुछ है जो हमें रोक रहा है और वो रोकने वाली वस्तु ये है कि हमको नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए दैट इज वाई आर स्टक इसलिए हम फसे हुए मैं मैं पढ़ाई इंजीनियर बनूं कि मैं कॉमर्स पढ़ूं कि मैं लॉयर बन कि मैं इंजीनियर बन जाऊं आज पढ़ने वाले को पता ही नहीं है सब जगह भर दिया है, जहां हो जाए प्रभु की दया वी डोंट हैव ए डेस्टनी हमारे पास मंजिल नहीं है हम दस जगह रिज्यूमे डाल देते हैं यहां जॉब लग जाए वहां जॉब लग जाए किसी भी जगह जॉब लग जाए चलेगा यदि हमको पर्टिकुलर चीज मालूम है कि मुझे ये चाहिए तो हम यदि इस बिटिया को पता है कि मुझे लाल कपड़ा जिसमें गोल्डन पट्टी है शॉपिंग पांच मिनट में होती है आज महिलाएं सुबह जाती है शॉपिंग के लिए शाम को वापस आती है क्यों पता आपको क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम रहता लेना क्या है और यदि आप पुरुषों की बात करें तो उनको पता है भैया मेरे को सफेद शर्ट लेना है काली पैंट लेना है दस मिनट में शॉपिंग होकर घर वापस हम पुरुष स्त्री से बेहतर है नहीं बता रहे हैं हम ये बता रहे हैं नहीं तो कल को आप हमको बोलिएगा कि प्रभु के दास जो है भलते ही कुछ के कुछ जो है Uh, तुलनात्मक तो जस्टिफिकेशन दे दिए ना 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 इफ समबडी प्रिसाइज्ड यदि कोई व्यक्ति का लक्ष्य है कि मुझे लाल कपड़ा पहनना है जिसमें गोल्डन पट्टी है उसके लिए हजार साड़ियां हजार ड्रेसेस हटके भैया लाल में जिसमें पीला पट्टा है वो वाली लाइए पांच मिनट में डिसीजन बनता है सिमिलरली हमको कोई रोक रहा है और वह यह है कि हम दुनिया में हर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं दुनिया हमको ऑफर करती है दुनिया एक मेला है और इस मेले में सब कुछ मिलता है लड़की कपड़ा रोटी मकान दौलत इज्जत नाम लाइक्स व्हाट्सएप लाइक्स अप थम्स डाउन हर प्रकार की चीजें मिलती है ठीक है आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए आपको थम्स अप चाहिए थम्स डाउन चाहिए आपको फेक झूठी इज्जत चाहिए वो भी मिलेगी आपको झूठी शोहरत चाहिए वो भी मिलेगी आपको नष्ट हो जाने वाला धन चाहिए वो भी मिलेगा बट इट ऑल सो टेम्पररी ये सब बहुत अस्थाई है ये रोकने वाली बातें हैं मेरे प्रियो हमारा डिसीजन यदि पता होता कि लाल कपड़ा गोल्डन पट्टी पाँच मिनट में क्लियर हो जाता हमको पता नहीं है तो दुकानदार बोलता है अगले सप्ताह आइए हम अगले सप्ताह फिर जाएंगे अरे नहीं भैया मज़ा नहीं आया उसके नेक्स्ट वीक उसके नेक्स्ट वीक और ये दुनिया का जो चक्री है ये चलता जाएगा ये वाला नौकरी नहीं वो वाली नौकरी चाहिए वो वाली नहीं अमेरिका में जॉब चाहिए ये वाली पढ़ाई नहीं वो वाली करना है वो वाला कपड़ा नहीं वो वाला कपड़ा चाहिए एवरीबडी ट्राइंग ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जैसे हम पिछले अध्ययन में बता रहे थे जिस दौड़ का अंत नहीं है दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ ये इसके बाद वो उसके बाद वो प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन, प्रमोशन पुरानी गाड़ी के ऊपर नई गाड़ी नई गाड़ी नई गाड़ी पुरानी हुई तो उसके ऊपर नया गाड़ी कोई अंत नहीं है कि हम कह सकें ओके बस प्रभु ने जो दिया है धन्यवाद दिस इज इनफ फॉर मी टू सर्वाइव मुझे इस धरती में जीने के लिए इतना काफ़ी है बोल करके के आज मानव के पास हम सब के पास ऐसा ऐसा ऑप्शन नहीं नजर आता हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और इस दौड़ में जो है हम प्रभु को कहीं पीछे छोड़ चले आते हैं यहाँ पे लिखा है आप रोकने वाली बातें और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े आज ये लुक अब हम आज चारों ओर देखें सब कुछ फास्ट है सब कुछ फास्ट है फास्ट फूड फास्ट ट्रेन फास्ट गाड़ियां फास्ट लाइफस्टाइल। शहरों में जाइए बाप रे बाप पीपल हैव नो टाइम लोगों के पास समय नहीं है सब कुछ फास्ट सब कुछ फास्ट खाना फास्ट पहनना फास्ट सब कुछ रेडीमेड इसलिए तो जिंदगी भी फास्ट हो गई है पहले आदमी आदम बाबा एक सौ एक सौ माफ कीजिएगा एक हजार तीस साल जिंदा रहे अब आदमी इतना फास्ट हो गया है कि जो एक हजार साल में जीना था उसको साठ में ही निपटा दिए हो गए ना हम सब फास्ट क्योंकि वी आर गोइंग फास्ट हम कम समय में ज्यादा चीजें पूरा करना चाहते हैं इसीलिए जो है आज प्रभु ने जो जीवन दिया था ना लंबा वो घट के शॉर्ट हो गया फास्ट फ़ूड फ़ूड खाइए जितनी स्पीड से फास्ट फास्ट खाइएगा वाला फूड खाइएगा उतनी फास्ट फास्ट रूप से आप जो है कबर के गड्ढे में जाइएगा जितनी फास्ट फास्ट चीजों को आप अपनाइएगा उतनी स्पीड से आप मौत के करीब जाइएगा हम कई बार ऐसे कहते हैं कभी किसी का एप्पल खा के, केला खा के आ, 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 काजू किशमिश बादाम खा के किसी को हार्ट अटैक हुआ है आपने नहीं सुना होगा परंतु हाँ पिज्ज़ा खा के बर्गर खा के मसाला खा के जो है अच्छे अच्छे प्रभु को धरती को प्यारे हो जाते हैं ये दिस इज द रीज़न एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड हर एक वो चीज़ जो परमेश्वर ने बनाया है वो हमारी लाइफ को बढ़ाता है आज 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 आज, आज ऐसा युग चला है सब डॉक्टर लोग सलाह देते हैं भैया ये सब तेल खाना छोड़िए सब खाना छोड़िए और घास पत्ती आ, ग्रीन वेजिटेबल्स ककड़ी खाना शुरू करिए हमारी और आपकी ज़िंदगी का जो स्पैन है जो लाइफ स्पैन है जो ज़िंदगी हमारा जो जीवन काल है वो छोटा हो गया है इसलिए पता क्यों क्योंकि हमने मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों का इस्तेमाल करके सब कुछ फास्ट होने के चलते पिज्जा बर्गर खाइएगा दो पांच मिनट में खिला जाइएगा ककड़ी गाजर लेके बैठिए कचर 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 खाइएगा तो जो है आधे घंटे तक दोनों तीनों जैसे चुविंगम चबा के जबड़े दुख जाते हैं गाजर ककड़ी खा के जबड़े दुख जाते हैं आदमी आज नेचुरल चीज़ों से हटके जो परमेश्वर ने बनाया है फास्ट चीज़ें खाना चाहता है जितना फास्ट खाएगा जितना फास्ट काम करेगा जितनी फास्ट गाड़ी चलाएगा एकदम फास्ट जाइए और गाड़ी आधी अलग आपका सर अलग और धड़ अलग जितनी स्पीड से जाइएगा कोई पैदल चल रस्ते में पैदल चलने वाला युग में जो लोग चलते थे जो लोग बैलगाड़ियों में चलते थे हम नहीं समझते कभी बैलगाड़ी एक्सीडेंट में कोई मारा गया हो, है ना आज ऑलमोस्ट हज़ारों की तादाद पे लोग प्रतिदिन हजारों की तादाद पे प्रतिदिन लोग एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं वी हैव स्टॉप थिंकिंग हमने इन इस भागदौड़ की जिंदगी को क्यों है और इसका क्या निष्कर्ष है इसका इसका फ्रूटफुलनेस इसका इसका फल क्या है इसकी ओर हमने देखना बंदी कर दिया है सिर्फ भागो 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 सुबह उठो भागो शाम को उठो भागो हर जगह भागो प्रभु भी भागने बोलता है परंतु धीरज के साथ भागने बोलता है और प्रभु वाली दौड़ में और संसार वाली दौड़ संसार की वस्तुओं की प्राप्ति की दौड़ में आसमान जमीन का फर्क है प्रभु कहते हैं वह दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है धीरज से दौड़ो बाबा दौड़ में तो स्पीड से दौड़ना पड़ता है धीरज का क्या आवश्यकता है दैट इज वेयर द सीक्रेट इज यही वो जगह है जो हमको समझने की आवश्यकता है कि हमको कौन सी दौड़ के पीछे दौड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है यह वह दौड़ है जो किसी वस्तु के लिए किसी व्यक्ति के लिए किसी भौतिक चीजों के लिए नहीं है मेरे प्रियो यह वह दौड़ है जो हमको अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्योंकि आगे लिखा हुआ है और विश्वास के करता दूसरे पद में और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो ठीक है विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला गॉड नोस परमेश्वर जानते हैं कि हम और आप एक इनपरफेक्ट एक असिद्ध लोग हैं असिद्ध संसार में यश भविष्य कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं लिसन हमारी असिद्धता परमेश्वर को पता है हम बहुत खूबसूरत भी बनाए तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता वो सिद्ध नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस तब तक जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमारी असिद्धता को सिद्धता में बदल दे हमारा विश्वास अधूरा है लिखा विश्वास का कर्ता वाव कुछ भाग हमने ऐड किया है प्रभु पर विश्वास करने के चलते और अब उस इनकम्प्लीट फेथ को उस अधूरे विश्वास को जो हमने प्रभु पर लाया है परमेश्वर के विश्वास के साथ मिलने के चलते एक सिद्ध विश्वास निर्मित होता है क्रिएट होता है जिसका परिणाम स्वरूप जो है सिद्धता कहलाती है हम बहुत ऊंची बात आपसे कह रहे हैं बड़े ध्यान से बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा हमारा विश्वास यीशु मसीह आया मारा गया मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया इस वाले विश्वास को जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा इस वाले विश्वास को लेकर के पवित्र आत्मा सिंहासन के सामने से परमेश्वर वाला गॉड काइंड ऑफ फेथ को लेकर हमारे मनुष्य टेम्पररी अस्थाई अल्पविश्वासी वाला विश्वास जो पत्रस के अंदर भी था भूत भी बोलता था फिर प्रभु भी बोलता था यही वाला विश्वास की बात हम कर रहे हैं है ना गॉड काइंड ऑफ फेथ ऑन पीटर काइंड ऑफ फेथ हमारे और आपके विश्वास वाला विश्वास और परमेश्वर का विश्वास मिलकर सिद्ध विश्वास उत्पन्न करता है और जब सिद्ध विश्वास उत्पन्न होता है तो आपको पता जब सिद्ध विश्वास उत्पन्न होता है तो हमारा जो धीरज है वो पूरा हो जाता है हमारी जो दौड़ है वह मंजिल को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाती है लिसन वेरी केयरफुली यहां पे लिखता है ना उस आ उस जिसे उस आनंद के लिए ना गॉड काइंड ऑफ फेथ पीटर काइंड ऑफ फेथ परमेश्वर का और पत्रस का विश्वास मिल जाता है तो रिजल्ट व्हाट इज द रिजल्ट रिजल्ट है आखिरी में दूसरे पद के आखिरी में लिखा है लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाइनोर जाके बैठा ओके वी हैव सो मच स्ट्रगल ना धरती पर रहने के समय कौन संघर्ष कर रहा है यू और योर 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 बॉडी आने वाले सत्रों में हम सीखेंगे इन तीनों चारों विषयों के ऊपर तीनों विषयों के ऊपर शरीर प्राण और आत्मा के ऊपर धीरज से बैठिएगा लगातार बने रहिएगा और हम जानते हैं हम विश्वास करते हैं कि आने वाले एपिसोड्स हमको हमारी नींवों को रिकन्स्ट्रक्ट री रीबिल्ड करेंगे हमारी हमारी आधार को हमारे फाउंडेशन को बदलने के लिए एक बड़ा प्रकाशन जो परमेश्वर ने दिया है हम उसको ध्यान केंद्रित करेंगे ना यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द आउटकम इसका रिजल्ट क्या है रिजल्ट यह है कि परमेश्वर के पुत्र ने प्रभु यीशु मसीह ने दुख चढ़ाया दुख चढ़ाने के बाद डायरेक्ट वो जाकर कहाँ बैठ गया परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बेटा अब इस बात को समझिए हम जल्दी से खत्म करेंगे रिजल्ट है परमेश्वर के सिंहासन के बगल में वो तो परमेश्वर आप बोलिएगा वो तो परमेश्वर के पुत्र के लिए हमारा रिजल्ट क्या है हमारे लिए भी तो वही है भैया उस आश उस धी, धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़ना है कि हम भी दुल्हन होकर पिता के सिंहासन यदि हम देखा जाए तो यीशु मसीह ने पूरा हुआ क्रूस पे चढ़ने के समय सात वाणी के समय हम समय सुनते आ रहे हैं प्रभु ने कहा पूरा हुआ और क्रूस पे चढ़ गए क्रूस पे चढ़ने के बाद कहा पूरा हुआ व्हाट ही हैव कंप्लीश्ड कंप्लिस्ड उन्होंने क्या पूरा किया उन्होंने पूरा किया कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी वह जिम्मेदारी जो परमेश्वर की ओर से वह बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से वह काम जो परमेश्वर की ओर से प्रभु को पूरा करने के लिए दिया गया था वह पूरा कर दिया और कहाँ जाके बैठा वाह डायरेक्ट परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा अब वेटिंग चालू है स्वर्ग की परमेश्वर पिता की और सबसे ज्यादा वेटिंग तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कर रहे हैं क्योंकि कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है और हम सब जो है प्रभु यीशु के बगल में जाके बैठने की तैयारी धीरज के साथ दौड़ने के द्वारा करने की आवश्यकता है बिकॉज क्यों अभी यहां रोकने वाली बातें हमको रोक कर रखी है ना हम डिसीजन नहीं बना पा रहे क्योंकि हमको नहीं मालूम है लाल कपड़ा गोल्डन पट्टा ये वाला ड्रेस हमको चाहिए नहीं मालूम है दैट इज वाई अगले सप्ताह अगले बार माफी मांग लेंगे अगले बार मैं अपना जीवन दे दूंगा अगले शुक्रवार प्रभु के पास आऊंगा अभी क्या है थोड़ा और पैसा कमा लेता हूं फिर क्या होगा? थोड़ा और पैसा कमाने के बाद जो है फिर मैं प्रभु को पूरा अपना जीवन दे दूंगा बाल बच्चे सेटल हो जाएं, फिर नौकरी छूट जाए एक बार नौकरी मेरा रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद तो मैं पूरी जिंदगी सेवा करूंगा है ना? सो so, हमें नहीं पता है हम क्या चाह रहे हैं हमें नहीं पता है कि हमारे पास ऐसी दौड़ की आवश्यकता है जो अनंत अनंतकालीनी जीवन से संबंध रखती है हम सिर्फ दौड़ रहे हैं इस दौड़ के ऊपर हमें नियंत्रण पाना होगा मेरे प्रियो प्रभु हमारे मन की आंखों को खोले कि धीरज के साथ जो दौड़ दौड़ना है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लज्जा की कोई चिंता नहीं है हो सकता है कल बहुत से ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के सत्य के खिलाफ हैं, कलीसिया के खिलाफ में परिवारों के खिलाफ में प्रभु भक्तों के खिलाफ में आके खड़े हो जाएंगे क्या आप उस सब विद्रोह में उन सब आ, उन सब कठिन परिस्थितियों में खड़े होकर इस बात की चिंता और परवाह करे बगैर कि मेरे पास एक जीवन है जो अनंतकालीन है हर लज्जा हर अपमान हर मारे दुख उठाए हर कष्ट को सहने के लिए यदि आप तैयार हैं तो मुझे बताने दीजिए यीशु मसीह के बगल में बैठने से भी आपको धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती यदि हम दुख दुख उठाने से डरते हैं यदि हम अपमानित होने से डरते हैं यदि हम समाज मेरे बारे में मेरे कलीग्स मेरे बारे में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे यदि हम इससे डरते हैं हम यीशु के बगल में बैठने लायक नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे कपड़े फाड़ के उसको नग्न दशा में क्रूस पर चढ़ा दिया गया प्रभु को कोई इज्जत की शर्म नहीं आई क्योंकि इसको मालूम था मेरा शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाना निश्चित है और उसी के द्वारा मानव का छुटकारा होगा यदि हमको पता है कि ये दुख ये कठिनाइयाँ ये गरीबी ये क्लेश ये आकाल ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन में मुझे सिद्धता करने के लिए मेरे इस अ, इनकम्प्लीट मेरे इस अधूरे विश्वास को परमेश्वर के विश्वास के साथ मिलाकर मुझे सिद्ध बनाने वाले ईशु क्योंकि आज आप कहीं पर भी देखिए आज सभी वक्ताओं ने जिस हिसाब से प्रभु के वचनों को सिखा रहे हैं कि विश्वास करते जाइए प्रभु देगा प्रभु देगा प्रभु देगा प्रभु देगा हां प्रभु देता है और प्रभु देगा तब तक देगा जब तक आप मांगोगे बट जरूरत की ओर भी का हमको इस बात को भी ध्यान देना है कि प्रभु को भी कुछ चाहिए हमसे यूं ही धरती पे आप आकस्मिक नहीं है प्रभु दे रहा है आपको भी देना पड़ेगा वह कीमत धरती में क्या फ्री है हर कुछ तो हम बाजार चले जाइए सब्जी बेचने वाला सब्जी फ्री में नहीं देता मार्केट में चले किराने दुकान में चले जाइए चावल दाल मुफ्त में नहीं मिलता ट्रेन में यात्रा करना है मुफ्त में नहीं होती हवाई जहाज में चढ़ना चल, है तो फिर बात ही मत करिए नथिंग इज फ्री ऑन दिस वर्ल्ड फिर हमने परमेश्वर से अनंत जीवन मुफ्त में पाने की कैसे हम आशा रख सकते हैं दट इज फॉर इटर्निटी वो भी अनंत 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 कालीन है ना, सो वी हैव टू स्टॉप परमेश्वर के यीशु के बगल में जाके बैठने के लिए वी नीड टू पे द प्राइस हमें कीमत देने की आवश्यकता है इट इज नॉट फॉर फ्री विश्वास फ्री में है चंगाई फ्री में है अभिषेक फ्री में है वरदान फ्री में है नौफल फ्री में है सब कुछ मुफ्त बाइबल में हर कुछ मुफ्त है अनंत जीवन को छोड़ के टोटल बाइबल इज फॉर फ्री संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल मुफ्त है सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके और वो है अनंत जीवन यू कैन हमको धरती पर हर एक आशीष मिल जाएगी मिल गई है स्वर्गीय स्थानों में परंतु स्वर्ग नहीं मिल जाएगा दैट इज वी हैव टू पे वो अपने कामों के चलते वो सिद्ध वो अच्छी पोलूस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है वो उस दौड़ में दौड़ने के को पूरा करने से जो धीरज के साथ दौड़ना है तभी आपको अनंत जीवन ये दौड़ हमें मार्केट हमें जॉब हमें सफलता नहीं यह दौड़ हमें अनंतकालीन जीवन की ओर दौड़ने की आवश्यकता है प्रभु हमारी मन की आंखों को खोले और हमें अनुग्रह करे कि हम इन बातों को समझें और इस पर विचार करें कि प्रभु की आत्मा हमसे क्या चाहती है सब लोग अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना करेंगे जीवित और सच्चे और अच्छे परमेश्वर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से आपके असीमित प्यार के लिए प्रभु हम असिद्ध हैं हम अशुद्ध हैं हमारी ओठों को आपके वेदी के आग से छूकर शुद्ध करिए प्रभु उलझाने वाली बातें उलझाने वाले पाप रोकने वाली बातें ऐसी कल्पनाएं जो हमको आपके प्रेम की ओर आपके अनंत जीवन की ओर बढ़ने से रोकती है प्रभु हमारे जीवन से दूर कर दीजिए लॉट ऑफ थिंग्स कितनी जगहों पे प्रभु हम रोके जाते हैं बार बार गिराए जाते हैं बार बार रिपीटेडली हम उसी जगह उलझाए जाते हैं प्रभु आप हमें छू लीजिए आप हमें चंगा करिए ए सच्चे और अच्छे परमेश्वर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका तेजो में हाथ बढ़ाइए प्रभु जी हर एक श्रोताओं को हर एक सुनने वाले को हम सब के ऊपर प्रभु आप बड़ा अनुग्रह कर दीजिएगा ऐ सच्चे और अच्छे परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए पिताजी जिससे पिता इस सत्य को जो दौड़ हमें दौड़ना है प्रभु आज से हम दौड़ना शुरू कर दें कल करेंगे बोलने से प्रभु बहुत देर हो जाएगी लोग और भी जो लोग पीछे से दौड़ में हिस्सा लिए हैं वो तो दौड़ के जीत दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है कहीं ऐसा ना हो प्रभु अनंत जीवन का इनाम हम चूक जाए राजा इसलिए हमें सबसे आगे सबसे जोर से धीरज के साथ दौड़ने के लिए आपका अनुग्रह प्रदान करिएगा सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु उस दौड़ को दौड़कर हम उस उस जगह पर उस स्थान में जो यीशु के बगल में स्वर्ग में हमारे लिए बनाया गया है हम वहाँ पहुँच कर बैठ जाने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं सारादर महिमा जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं अमैन अमैन